लोकी क्योंदाड़ गांव है जो राजस्व गांव है। यह रायडी में पड़ता है और इसका पंचायत पीबो है। इस गांव में देखा जाए तो आंगनवाड़ी की सुविधा ही नहीं है। और कुछ महीनों पहले अरखंड सीएम ने ये बोला कि अब से प्री स्कूल की पढ़ाई भी आंगनवाड़ी में कराई जाएगी। इस गांव की संख्या 400 से 500 के करीबन है और लगभग 50 बच्चे जो अभी आंगनवाड़ी के लायक हो चुके हैं आज कहीं भी आंगनवाड़ी में नहीं जा पाते क्योंकि आंगनवाड़ी 2 किलोमीटर दूर है और डर के मारे माँ बाप उन्हें नहीं भेजते। तो आइए थोड़ा बात करते हैं। हमको आंगनबाड़ी चाहिए यहाँ लौकी में। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, सड़क है सामने और आंगनबाड़ी बहुत दूर में है, नहीं जा पाते हैं और गाड़ी सब आते रहता है, छोटा छोटा बच्चा है कैसे जाएगा। हमें आंगनबाड़ी होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 किलोमीटर दूरी में आंगनबाड़ी है, उतना दूर जा नहीं सकते हैं। क्या दिक्कत होता है उसमें? जाए कि नहीं सकें, गाड़ी में चलत थे आधा दूर से लेके का है ना, तो डेली मन आबे जाबे थोड़े। और हमर जीव भी तो लागल रही कि कौन बेरा आबे छो अमन तो के लोकी स्कूल जात रहे से छो डाड़ी में डूब के मर गेलक, तो उतना दूर हमें भेज के थोड़े देखे जा छो अमन के चले, हम नहीं भेजी छोटे छुआ मन आए जाए नहीं पा रहे ना। तो आप लोग को सुखा राशि मिलता है? मिलता है, कभी नहीं देता है कभी देता है। क्या चाहते हैं सरकार से? आंगनबाड़ी गाँव में हमें मांगा थी दूर हो जाए जाए के लिए। मुझे नहीं पता इस वीडियो को देखने के बाद आप दोषी किसको ठहराते हैं, बस एक सवाल है कि कमी किसकी है। मैंने इसकी सूचना गुमला डीसी को ट्विटर पर दी और आशा रखता हूँ कि प्री स्कूल तो अभी छोड़ दीजिए, पहले आंगनवाड़ी की जो नॉर्मल पढ़ाई है, नॉर्मल काम है, वो एटलीस्ट शुरू हो जाए। मैं आशीष, अभी झारखंड से।